रहे हैं नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। जनता मांगे जवाब में आज बात होगी सियासत और सिस्टम की। चलिए पहले रुख छत्तीसगढ़ का करते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच सिनेमा की सियासत चल रही है। छपाक और तान्हाजी को रिलीज हुए हफ्ता भर पूरे होने जा रहे हैं, लिहाजा आम लोगों में दोनों फिल्म को लेकर उत्साह कम हो रहा है। लेकिन राजनीति में छपाक और तान्हाजी को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच सियासी घमासान भी हो रहा है। सिनेमा को लेकर सियासत शिखर पर पहुंच रही है। हालांकि बात और है कि किसी भी फिल्म का कोई दल खुलकर विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मैं लाओ लश्कर के सिनेमा हॉल में जाकर छपाक देखी और अब पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह अपने पार्टी के अन्य अलंबरदारों के साथ मल्टीप्लेक्स में तन्हाजी देखने गए, तो उससे ये साफ नजर आ रहा है कि कौन किस फिल्म के साथ है। लेकिन सवाल यह है कि जब कांग्रेस और बीजेपी किसी भी फिल्म के विरोध में नहीं है, तो दोनों ही दल के नेता दोनों ही फिल्म क्यों नहीं देख रहे? आखिर देश के दोनों बड़े दल भाजपा और कांग्रेस क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? आज इस सवाल का जवाब जानने की हम कोशिश करेंगे। साथ ही बात होगी मध्य प्रदेश की, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं की एक बार फिर पोल खुली है। दरअसल राज्य में एक ही दिन के अंदर लाचार स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते 8 बच्चों की मौत हो गई। इनमें 6 मासूमों ने शहडोल के जिला अस्पताल में दम तोड़ा, तो 2 की मौत सतना में टीका लगने के दौरान हुई। एक दिन में 8 बच्चों की मौत ये बता रही है कि राज्य में सिस्टम किस तरह से सितम ढा रहा है। मासूम लगातार मौत के गाल में समा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कि सुधर ही नहीं रही। जब भी कोई घटना होती है तो जांच के बाद मंत्री से लेकर अधिकारी तक एक्शन में आ जाते हैं, लेकिन गुजरते वक्त के साथ फिर वही सुस्ती, और नतीजा ये होता है कि फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली की वजह से किसी और की मौत हो जाती है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? क्या स्वास्थ्य सुविधाएं इस तरह लाइलाजी रहेंगी? आज इस पर भी विस्तार से बात होगी। लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ, जहां सिनेमा की सियासत अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। तो छत्तीसगढ़ की सियासत में फिल्मी उठापटक शुरू हो गई है, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, लेकिन कांग्रेस ने छपाक का समर्थन किया है, तो भाजपा अब तान्हाजी के साथ आ गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के छपाक देखने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अपने परिवार और अन्य पार्टी नेताओं के साथ तान्हाजी देखने थिएटर पहुंच गए, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि आखिर उस सिनेमा को लेकर सियासत क्यों हो रही है जो अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है। सिनेमा क्यों टारगेट किया जा रहा है? और सबसे अहम सवाल यह है कि फिल्मों के जरिए आवाम को बांटने की कवायद क्यों हो रही है? इन सवालों का जवाब जानने चलिए इसके पहले दिखाते हैं अपनी खास रिपोर्ट। दोनों तस्वीरें अपने आप में खास हैं। दरअसल एक तरफ मौजूदा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, दूसरी ओर है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, और ये दोनों ही फिल्म का आनंद ले रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि दोनों ही पिक्चर अलग अलग है। 11 जनवरी को सीएम भूपेश ने जहां दीपिका पादुकोण की छपाक देखी, तो 13 जनवरी को डॉक्टर रमन सिंह मल्टीप्लेक्स में अजय देवगन की फिल्म तानाजी देखने गए। ये तो किसी के मूवी देखने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन विरोध के बीच इस तरह सिनेमा देखना ये सियासत के नए समीकरण गढ़ रहा है। दरअसल जेएनयू में हिंसा के बाद दीपिका पादुकोण छात्रों के बीच पहुंची थी और फिर उनकी फिल्म छपाक रिलीज हुई, जिसका तमाम हिंदू संगठनों ने भारी विरोध किया। इस दौरान छत्तीसगढ़ में छपाक को टैक्स फ्री कर दिया गया। साथ ही सीएम भूपेश बघेल ने जनता से अपील करके कहा कि वो फिल्म को देखें। इतना ही नहीं, सीएम भूपेश बघेल ने फिल्म का विरोध करने वालों को हिटलर का समर्थक तक बता डाला। हर परिवार को देखना चाहिए। देखिए, ये वो हिटलर समर्थक लोग जो किसी प्रकार के विरोध को बर्दाश्त नहीं कर सकते। 11 जनवरी से पहले तक बीजेपी इस फिल्मी सियासत से शायद दूर थी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश के बयान के बाद वो भी इस पिक्चर में प्रत्यक्ष रूप से कूद पड़ी। राज्य में भाजपा के तमाम दिग्गजों ने खुलकर छपाक का विरोध तो नहीं किया,
लेकिन तानाजी को सिनेमा हॉल में देखकर ये संदेश देने की कोशिश की कि वो जेएनयू, दीपिका और छपाक के साथ नहीं है। फिल्म और राजनीति से लेना देना नहीं, फिल्म है राजनीति, राजनीति जाएंगे क्या देखने? जब भी जहां भी अवसर मिलेगा, अवसर मिलता है, मैं अच्छी पिक्चर देखता रहता हूँ। राज्य में दोनों ही पार्टियों के नेतृत्व में सिनेमा देखकर ये संदेश दिया है कि वो किस फिल्म के साथ खड़े हैं। लेकिन सवाल है कि क्या ये फिल्म राजनेताओं की तरह एक दूसरे की विरोधी है? और सबसे अहम सवाल यह है कि फिल्मों के जरिए आवाम को बांटने की कवायद आखिर क्यों की जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो सिनेमा की सियासत पर चर्चा करने के लिए रायपुर स्टूडियो से हमारे साथ जुड़ गए कांग्रेस प्रवक्ता किरणमयी नायक जी हैं। किरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव जी हैं, आपका स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार कृष्णा दास जी हैं आपका भी, और भोपाल स्टूडियो से वरिष्ठ पत्रकार के अग्निहोत्री, आप दोनों लोगों का भी स्वागत है। पहले किरण जी, आपसे ही एक सवाल है, कैसी रही है छपाक, और छपाक के साथ क्या आपने तान्हा जी भी देखने की सोची है? देखिए, छपाक एक बहुत मैसेजिंग मूवी है जी। मैं जनरली पिक्चर अब कम देखती हूँ जी, परंतु जब मौका मिले और कोई मैसेजिंग मूवी होती तो जरूर देखती हूँ। और ये ताना जी भी हिस्टोरिकल मूवी है, बच्चों के साथ मौका मिलेगा तो जरूर जाऊंगी देखने के लिए जी। जी जी, निश्चित तौर पे जरूर जाएंगे, लेकिन छपाक पहले देखने की, छपाक है देखने का पहला प्रेफरेंस था आपका कि छपाक पहले देखी जाए फिर बाकी देखते हैं? एक्चुअल में क्या, हम लोग को पॉलिटिक्स के बीच में ऐसा मौका मिलता नहीं है जी, परंतु जब सब संयुक्त रूप से जाने का मौका मिला तो उसको भी हमने चांस मिस नहीं किया जी। और उस स्टोरी की एक सेंसिटिविटी थी कि एक लड़की के ऊपर जब एक एसिड अटैक होता है जी, तो पिक्चर बनने के कारण शायद हमारी सेंसिटिविटी हम समझ पाए जी, कि उसकी प्रॉब्लम्स कितनी होती है और उसको परेशानी कितनी होती है और फेस क्या करना पड़ता है जी। और इन जनरल शायद ये मूवी नहीं बनी होती तो हम भी उसको बहुत गंभीरता से नहीं लेते जितना उसमें संघर्ष दिखाया गया है। और खास तौर से उसमें एक वकील का संघर्ष दिखाया गया है जिसने कानून को बदलने के लिए एक बहुत लंबी जद्दोजहद की है, तो मैं तो उस वकील महिला को सल्यूट करती हूँ, चूंकि पेशे से वकील हूँ इसलिए स्टोरी के बारे में क्यूरियोसिटी थी जो चर्चा थी उसको देखते हुए। और मूवी जब रिलीज हुई उसके बाद ही देखी जा सकती है, और मेरे ख्याल से ताना जी भी इसी के आस ही पास अभी रिलीज हुई है, निश्चित रूप से उसको भी मौका मिलेगा, जरूर जाएंगे। बिल्कुल किरण जी, इतनी बढ़िया मूवी है कि पूरा मंत्रिमंडल बाकी धान खरीदी समस्याओं से दूर होकर के फिल्म देखने में मशगूल है। ये तो निश्चित तौर पे ऐसा लगता है कि कोई कहीं न कहीं दीपिका जी का जेएनयू जो कनेक्शन है उसका प्रतिफल है ये। देखिए, इसमें जेएनयू कनेक्शन जो हुआ है वो उसको मैं नहीं कहती जी, अब जेएनयू कनेक्शन कहिए या जो भी कहिए जी, सवाल ये है कि ये जो मूवी आई है उस मूवी को लेकर के जो एक रिजल्ट निकला है जी, और उसको टैक्स फ्री किया था चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जी, और मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि चलना चाहिए, तो मुझे लगा कि उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और उसको पॉलिटिकल एंगल से देखने की कोशिश मैं समझती हूँ उसके बाद शुरू हुई है, पहले तो नहीं हुई है कम से कम। शुरुआत राजनीति की तो यहीं से हुई है, पहले मध्य प्रदेश टैक्स फ्री, उधर उत्तर प्रदेश में तानाजी टैक्स फ्री, फिर छत्तीसगढ़ टैक्स फ्री, शुरुआत तो राजनीति की यहीं से हुई है। खैर, संजय जी हमारे साथ हैं। संजय जी, तानाजी आपने देख ली है, छपाक भी देखेंगे क्या? जी हाँ साहब, बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं है जी। देखिए, जो फिल्में होती हैं जी, ये हम सब शुरू से जानते हैं जी, ये समाज को कहीं ना कहीं किसी विषय को लेकर कहीं संदेश देती है। एक सामान्य फिल्म भी यही कहती है कि हमें सही दिशा में जाना चाहिए, सही कामों को करना चाहिए जी। एक सामान्य पिक्चर भी होती है तो गुंडे की पिटाई होती है, असामाजिक तत्वों की पिटाई होती है, हीरो को बेहतर बताया जाता है, अर्थात समाज के अंदर में बेहतर लोगों का स्थान है। ये फिल्म हमको बचपन से हम लोग ये सब देखते हुए चले आए हैं, तो मुझे लगता है कि तानाजी तो एक ऐतिहासिक फिल्म है ही, जो स्टोरी शिवाजी से संबंधित और रनिंग जबकि जो कूटनीति रही थी, तमाम प्रकार के विषय उसमें दिखाए गए, तो मुझे लगता है ये मैं ही नहीं बल्कि यहां पर बैठे हुए सब लोग और आप सब लोगों को भी तानाजी फिल्म देखनी चाहिए। जहां तक छपाक का विषय है जी, छपाक भी एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर, यदि एक महिला या एक लड़की के ऊपर में जो कि एसिड सर्वाइवर है और उसके ऊपर इस तरह की चीजें, उसके बाद उसका जो संघर्ष दिखाई दिया है, तो निश्चित रूप से वो भी एक संदेश देने वाली कि यदि ये इस तरह की विपत्ति या कठिनाई आती है
तो ऐसे समय में हमको किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, ये सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है कि कोई फिल्म को इस दृष्टिकोण से भी नहीं, यदि ये सब चीजें नहीं होती तो भी हम तानाजी देखते, तो भी हम छपाक फिल्म देखने जाते। लेकिन आपने जिस बात को इंगित किया, इसमें इससे भी मैं पीछे नहीं हटूंगा कि जिस तरीके की टाइमिंग्स है, जिस तरीके की समय है, जिस तरीके का विषय चल रहा है देश के अंदर में, ऐसे समय में जो मूवमेंट और ऐसे समय में जो काम कांग्रेस के नेताओं ने किया है, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है। और दीपिका जी या उनका विरोध नहीं, फिल्म का विरोध नहीं है, जिसको कांग्रेस जोड़कर ये बताया जा रहा है कि बीजेपी वाले छपाक का विरोध कर रहा है, ये मैसेज देने वाली फिल्म है। देखिए, सेलिब्रिटीज है, कोई यदि बड़ा नेता भी जिससे समाज को संदेश मिलता है, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, नेता हो, यदि वो गलत दिशा में जाते हैं तो सबसे पहले सवाल उस पर खड़ा होता है, सामान्य आदमी पर खड़ा नहीं होता है। इसलिए दीपिका जी भी एक सेलिब्रिटीज है, बड़ी बड़ी फिल्मों को उन्होंने किया है, और जब इस तरह की चीजें आती जहां पर एक विवाद का विषय है और टाइमिंग्स ऐसी है कि उस समय जब वो खड़ी होकर वहां पर कोई समर्थन करती हुई दिखाई देती हैं, तो समाज के अंदर में सवाल होगा। जब हम आपका समर्थन करते हैं अच्छी चीजों पर, तो यदि कहीं गलत दिशा दिखेगी तो उस पर सवाल खड़ा होगा। और शायद मुझे लगता है यही वो समय है कि इस तरह की बातें निश्चित रूप से आई है। और जैसा कि आपने कहा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ने तो कदम बढ़ाकर बगैर मांगे सीधे छपाक पर उन्होंने टैक्स फ्री किया, दूसरी फिल्मों के लिए टैक्स फ्री करने का समय नहीं है, दूसरे कामों को छोड़कर फिल्म देखें, फिल्म में देखने में मुझे आपत्ति नहीं है, फिल्म देखना चाहिए, प्रतिदिन देखना चाहिए, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइमिंग्स इस बात को कह रही कि कहीं ना कहीं एक राजनीति और एक समर्थन अपरोक्ष रूप से करने का प्रयास कांग्रेस के नेताओं ने किया, इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है। और हम तानाजी गए इसलिए नहीं कि हम बदले में गए हैं, लेकिन तानाजी निश्चित रूप से एक अच्छी मूवी है, जो कलेक्शंस आ रहे हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें बहुत बेहतर दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है दोनों फिल्में अपने स्तर पर अच्छी है, लेकिन इन फिल्मों के साथ में जिस तरीके का एंगल जोड़ा गया, जो जेएनयू का विवाद करें या सीए का विषय जो चल रहा है, तमाम प्रकार के जो विषय चल रहे हैं, ऐसे समय में दीपिका जी का जाना, उसके बाद कांग्रेस का उसमें समर्थन करना, उसके बाद सरकारों का टैक्स फ्री करना, फिल्मों को देखना, यह स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों के पीछे खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, तो आप मानते हैं कि छपाक भी अच्छी फिल्म है? मैंने कहा पहले, जब मैंने अपनी बातों को प्रारंभ किया, ये तो फिल्म अच्छी फिल्म है, क्यों नहीं है, फिल्म मैंने देखा नहीं है, लेकिन विषय जो सामने आ रहा है कि एक संघर्ष की कहानी, एक महिला पे यदि हम निर्भया वाली जो फांसी की बात आ रही है, इस तरह की चीजें निश्चित रूप से चैलेंजिंग मैसेज देती है, और विशेषकर महिला वर्ग को कि किस तरीके से संघर्ष, यदि इस तरह की कहीं अचानक कोई स्थिति बनती है तो उसका मुकाबला कैसे करना है, ये मैसेज निश्चित रूप से देती है। तो मुझे इसमें कहीं कोई आपत्ति नहीं लगती है, और वो फिल्म उत्तर प्रदेश में ठीक है, ये लोग राजनीति से प्रेरित होकर छपाक को टैक्स फ्री कर रहे हैं, लेकिन बिना मांगे तो उत्तर प्रदेश में योगी जी ने तानाजी को टैक्स फ्री कर दिया, तो छपाक को भी कर देना चाहिए भाई। एसिड अटैक का मामला है, महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, महिलाओं के संघर्ष का मामला है, तो वहां भी कर देना चाहिए ना। आपकी क्या राय है यहां? देखिए त्रिपाठी जी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। तानाजी में अजय देवगन जी है, सैफ अली खान है जी, ये जेएनयू में नहीं गए थे जी। राजनीति कहां से प्रारंभ हुई, इस बात को समझना चाहिए हम सबको। यदि एक ही तौल में तौल कर देखेंगे तो मुझे लगता है फिर कहीं कोई विषय बनेगा ही नहीं कि कौन बेहतर है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सब चीजें हैं। तो मुझे लगता है जहां से जो चीजें प्रारंभ हुई उस पर सवाल खड़ा होगा ना। फिल्में तो कई टैक्स फ्री हुई है देश के अंदर में, छत्तीसगढ़ में भी हुई होंगी, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में हुई होंगी, हम उस पर सवाल खड़ा नहीं कर रहे, लेकिन टाइमिंग्स का विषय है, और जो उस संबंधित फिल्म से जो सेलिब्रिटीज हैं उनका जाना, अपरोक्ष परोक्ष रूप से समर्थन करना, फिर फिल्मों पर टैक्स फ्री करना, मैं इस बात को कह रहा हूं बिल्कुल कहीं दिक्कत नहीं। यहां भी तानाजी होना चाहिए, यहां भी आने वाली फिल्म अच्छी तरीके से टैक्स फ्री होनी चाहिए, लेकिन जो इस पर राजनीति करने का प्रयास करेगा वो कटघरे में खड़ा होगा। मतलब सैफ अली खान और अजय देवगन जेएनयू नहीं गए थे, इसमें टैक्स फ्री हो गई उत्तर प्रदेश में। खैर कोई बात नहीं, हम आपके पास फिर से आते हैं, मुद्दे बहुत सारे जी। देखिए नहीं, त्रिपाठी जी निश्चित रूप से जी 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 चलिए निश्चित रूप से, यदि कहीं देखिए आज हम लोग राजनीति के क्षेत्र में काम करते हैं, यदि हम लोग लगातार अच्छे काम करते हैं, यदि कल यदि हम 10 मिनट के लिए कहीं गलत जगह पर खड़े दिखाई देंगे तो सवाल हम पर खड़ा होगा जी। चलिए हमारे साथ कृष्णा जी हैं। कृष्णा जी, जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में हो रहा है, खैर ये तो सियासत है, राजनीति में सब कुछ जायज है, लेकिन हम अपने 32 साल में पहली बार ये देख रहे हैं कि अगर जेएनयू से कनेक्शन जुड़ता है और बिना मांगे, जैसे संजय जी बोल रहे हैं, टैक्स फ्री जो भी कांग्रेस शासित राज्य है वहां टैक्स फ्री कर दी जाती, उसके बदले में तानाजी को कर दिया जाता है, तानाजी यहां से कहां आ गए? जब कहीं भी अजय देवगन या सैफ अली खान इस पूरे पिक्चर में है नहीं तो उनकी टैक्स फ्री कर दी जाती है। मध्य प्रदेश में देखते हैं भोपाल में ही कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पूरी पूरी जहां तानाजी लगी है सारी टाकीज बुक कर ली और लोगों को फ्री चलो देखने, फ्री चलो देखने। तो खैर अच्छी बात है,
कम से कम लोगों को फ्री पिक्चर देखने को मिल रही है। इस सियासत को आप किस रूप में देखते हैं कृष्णा जी? देखिए ये बिल्कुल एक सियासत है, क्योंकि आपको देखिए राजनीतिक दल के लोगों को ये बात बड़ा स्पष्ट रूप से समझना चाहिए कि बॉलीवुड की राजनीति क्या होती है। आप एक व्यक्ति काले वस्त्र पहन के एक आंदोलन स्थल पर पहुंचता है, कुछ लोगों को बाय करता है, कुछ लोगों को नमस्ते करता है, और उसको लेके पूरे देश में एक बवंडर मच जाता है, एक राजनीति हो जाती है। भारतीय जनता पार्टी उसको आउट ऑफ वे जाके एक उस प्रपोर्शन में उसको एक कैंपेन चालू करती है, कांग्रेस उसको डिफेंड करती है। तो मुझे लगता है कि देखिए एक राजनीतिक दल को ये समझना चाहिए कि ये एक्टर्स हैं और इनको अपने रोल अदा करना बखूबी आता है, ये बहुत अच्छे से अपनी रोल अदा करते हैं। और लेकिन दुर्भाग्य ये कि हमारे राजनेता उसके ट्रैप में फंसते जाते हैं। आप देखिए कि भारतीय इतिहास में ये चीज अनेकों बार ये सिद्ध हुई है कि जो बॉलीवुड की फिल्म्स हैं जिनको हिट करनी है, वो किसी न किसी तरीके से वो किसी कॉन्ट्रोवर्सी में आप उसको लैंड कर दीजिए, कहीं ना कहीं से वो वैसे ही पॉपुलर हो जाएंगी। देखिए जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका ग्रोथ आप देखिएगा कि आप इस साल का जो प्रेडिक्शन है वो करीब करीब 11% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है उसका, कि मतलब हर साल इस साल जो है वो पिछले साल की तुलना में 11.5% ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। आने वाले दो साल में मतलब 2021 में फिल्म इंडस्ट्री जो इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री है वो करीब करीब 3 लाख करोड़ के आसपास इसकी इंडस्ट्री हो जाएगी, और उसका जो एनुअल ग्रोथ है पिछले 10 साल से वो 10% ये बकायदा एनुअल ग्रोथ ये रजिस्टर कर रहा है एवरेज। तो मुझे लगता है कि आप देखिएगा कि जो साधारण इन्वेस्टर है भारत का उसको भी 10% ग्रोथ किसी इन्वेस्टमेंट में नहीं मिल रहा है, लेकिन आपकी एक इंडस्ट्री है वो 10% से बकायदा ग्रोथ कर रही है, और दुर्भाग्य से हम इस राजनीतिक पेच में उसको टैक्स फ्री करके उसकी रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं और हमारे स्टेट की रेवेन्यू हम लॉस कर रहे हैं, ये बड़ा दुर्भाग्यजनक है। बिल्कुल, लेकिन कृष्णा जी थोड़ा मुझे शंका, हम दोनों अपने अतिथियों से हम ये सवाल जरूर करेंगे कि कहीं ऐसा नहीं लगता है, खैर अग्नोत्री जी ये सवाल आपसे पूछ लेते हैं, जैसा कृष्णा जी ने कहा है कि कलाकार राजनेताओं पे भारी पड़ गए। कृष्णा जी ने कहा है कि जब किसी फिल्म को हिट करनी, आपने भी यहाँ बहुत सारी पिक्चरें आई थी गदर से लेके कई, उसमें जानबूझ के कंट्रोवर्सी पैदा की गई जिसके कारण फिल्में हिट हो गई, तो ऐसी स्थिति में राजनेताओं पे कलाकारों की तिकड़मबाजी भारी तो नहीं पड़ गई? दीपिका जी ने सोचा होगा कैसे करना है, जीएनयू में जाके कुछ विवाद पैदा कर दे तो बीजेपी वाले और कांग्रेस वाले और आम आदमी सब चल देंगे, तो एक बड़ी बड़ी तिकड़म हो गई। कलाकार जो है वो राजनेताओं पे हावी तो नहीं पड़ गए यहाँ पे, या इनकी सोच पे भारी पड़ी? देखिए बॉलीवुड आज से नहीं, बहुत लंबे समय से यदि फिल्म को हिट कराना है तो किसी न किसी कंट्रोवर्सी को पैदा कर दो या किसी कंट्रोवर्सी से जुड़ जाओ, ये बॉलीवुड की सक्सेस स्टोरी रहती है जी। तो लेकिन हाल ही में हमने देखा सीए को लेकर के या एनपीआर को लेकर के बॉलीवुड भी दो हिस्सों में बटा नजर आता है जी। एक हिस्सा है जो सीए और एनपीआर के विरोध में खड़ा हुआ है जी। एक हिस्सा है जो बहुत कम ही सही लेकिन समर्थन के स्वर भी जो है वो बुलंद कर रहा है। कहानी यहाँ से शुरू होती है। दरअसल जेएनयू में उस पहले जो भी हुआ, जो हिंसा बाहर के लोगों ने आके की, जो नकाबपोश ने आकर के वहां पर तोड़फोड़ की और छात्रों को मारा, उसकी वजह से वहां उस दिन वो प्रोटेस्ट चल रहा था। मैं कहीं पीछे की स्टोरी पढ़ रहा था तो दीपिका पादुकोण की जो पीआर एजेंसी है उसने पहले यह तय किया था कि वो निर्भया की मां के साथ जाकर के खड़ी होंगी प्रचार के लिए, अपनी फिल्म छपाक के लिए जी। लेकिन एंड टाइम पर यह तय किया गया कि चूंकि हॉट केक इस समय स्टोरीज का जो है वो जेएनयू है जी, सेंटर पॉइंट है स्टोरीज का जी, और सारे न्यूज चैनल के कैमरा वहां पर फोकस्ड रहते हैं और लाइव भी चलते हैं, तो उसकी वजह से फिर पीआर एजेंसी ने एंड टाइम पर यह चेंज किया कि दीपिका को वहां जाकर के खड़ा होना चाहिए उनके साथ जी। वो वहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई त्रिपाठी जी जी, और ये दो धड़ों में बट गया। उस रात मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, ट्विटर पर, दो धड़ों में यूं बट गया कि जो भाजपा समर्थक जो लोग थे, जो सीएए के समर्थक लोग थे, वो ये कह रहे थे कि छपाक को बायकॉट करो, और जो कांग्रेस समर्थित जो सीएए का विरोधी पक्ष था वो ये कह रहे थे कि छपाक को देखना है जी। उसी समय चूंकि तानाजी भी रिलीज हुई तो इसलिए ये दो धड़ों में बट गया कि एक वर्ग बोला कि तानाजी देखना चाहिए क्योंकि वो देश प्रेम से जुड़ी हुई मामला है, तो इसलिए तानाजी देखना चाहिए, और ये छपाक से देखने की मामला है। लेकिन मैं एक संजय सिंह जी से यदि आपकी इजाजत तो एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कहीं मैं ये पढ़ रहा था, किसी फिल्म क्रिटिक ने लिखा कि
यदि आप तानाजी देखेंगे और जिस प्रकार की देशभक्ति और जिस तरह से जो जज्बा दिखाया गया है देश के प्रति लड़ने का, वो यदि आप देखेंगे तो आप छपाक नहीं करेंगे, मतलब आप एसिड अटैक नहीं करेंगे। तो संजय जी इस बात से कितना सहमत है ये मैं जानना चाहता हूँ। संजय जी सवाल समझ में आया आपको? निश्चित रूप से जो आपने सवाल किया है जी, आपने जो किया है सवाल किया शायद उसी में जवाब छिपा है कि पहले तानाजी यदि आसमी देख ले तो और इस तरह के फिल्मों से यदि सीख ले ले तो शायद इस तरह की चीजें घटित नहीं होंगी। जी जी बिल्कुल घटित नहीं होंगी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं और इसका मैं 100% समर्थन करता हूं। लेकिन एक बात जो कृष्णा जी कह रहे थे, जो मैं बीच में कह रहा था, यदि आपकी इजाजत हो त्रिपाठी जी, जी जी जी, कि इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से विषय को रखा है कृष्णा जी ने, लेकिन मैं ये कहूं कि फिल्म इंडस्ट्री की जो सेलिब्रिटीज है वो जब देश के अंदर में तमाम राजनीतिक घटनाएं होती है उसमें अपने विचारों को सामने रखती हैं और इन विचारों से बहुत लोग सहमत भी होते हैं और उस दिशा के में चलते हैं, तो एक सामान्य नागरिक की हैसियत से भी उसको व्यवहार करना चाहिए। सेलिब्रिटीज हैं, उनके लिए कोई नियम कानून या देश के अंदर में संविधान अलग नहीं बना है। यदि कोई एक राजनेता गलत दिशा में जाकर कदम उठाता है तो उसके ऊपर तमाम प्रकार के सवाल खड़ा होते हैं, तो सेलिब्रिटीज को हम केवल सेलिब्रिटीज या फिल्म के लिए हम छोड़ नहीं सकते। कहीं ना कहीं उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको एक भारतीय नागरिक होने के नाते उनको उस समय कहां पर खड़ा होना चाहिए, इस बात को विचार करना पड़ेगा। केवल आप फिल्म के प्रमोशन के लिए मैं यदि गलत तत्वों के साथ में कि मुझे केवल फिल्म का रेवेन्यू चाहिए इसलिए मैं गलत दिशा में जाऊं, जैसा कि आपने भी कहा कि पहले बनी के उसके साथ निर्भया की मां के साथ खड़ा होना है, बाद में विषय यह होता है, तो आखिर यह क्या संदेश है, यह क्या सोच है? जब आप तमाम प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम प्रकार के सरकार का आप खिलाफत करते हो, समर्थन करते हो एक आम आदमी की हैसियत से, तो कहीं ना कहीं आपको इस बात को पहले इस बात को सोचना पड़ेगा। आप सेलिब्रिटीज, आप फिल्म नहीं, फिल्म से बड़ा देश है, फिल्म से बड़ा समाज है, तो समाज को आप संदेश तो देते हैं, लेकिन आप जब आपकी एक्चुअल वास्तविक रूप से आपको खड़ा होना है जहां पर फिल्म नहीं है, नाटक नहीं है, केवल मैसेज देने के लिए नहीं है, वास्तविक रूप से आपको कहां खड़ा होना है, यह विचार तो आपको करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है इस दिशा में कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई होगी, इसलिए इस तरह का विषय बना है और आम जनता की भावना है। ये तो दीपिका जी का अपना विचार है ना, होगा और सही जगह तो उसका। संजय जी आपका अपना विचार है कि उनको कहां खड़ा होना चाहिए, ये दीपिका जी का अपना विचार है कि उनको कहां खड़े होने चाहिए? नहीं देखिए, विचार है तो सवाल नहीं होगा, सवाल नहीं होगा तो डिबेट नहीं होगा जी। कहीं ना कहीं क्या सही है ये तो देखना पड़ेगा। बिल्कुल, यहां तो संसद में जो कानून पास हो गया राज्यसभा में लोकसभा में उसका विरोध हो रहा है, अर्थात संविधान का विरोध हो रहा है। जहां पर राष्ट्रपति जी के दस्तखत हो गए उसका विरोध सड़क पर आकर कांग्रेस कर रही है, तो उससे बड़ा संविधान विरोधी कोई नहीं हो सकता। फिर इतना तो कांग्रेस के नेता समझते होंगे, ये यदि समझ पैदा हो जाए तो मुझे लगता है ये सब चर्चा का विषय भी नहीं बनेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन कृष्णा जी आप कुछ कहने वाले थे, फिर मैं किरण जी से एक सवाल फिर करूंगा। जी कृष्णा जी कुछ कहने वाले थे आप? हाँ, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ये ट्रैप है, बहुत वेल ट्रेंड ट्रैप है ये जी। और आप उस एक मिनट कृष्णा जी उस ट्रैप के लिए दोषी कौन है? दीपिका जी को मान रहे हो ना? दीपिका को मान रहे हो कि नहीं आप? दीपिका जी को मान रहे हो कि नहीं? मैं उसी चीज पे आ रहा हूँ। देखिए आप एक व्यक्ति काला कपड़ा पहन के एक आंदोलन स्थल पर पहुंचता है, अब कल्पना करिए कि वो वहां खड़े होकर एक शब्द नहीं बोले। नहीं जा क्यों? कल को अगर वो कल्पना करिए, अरे सवाल ये है कि जा क्यों रहा है गलत जगह? कल को अगर वो ये कल्पना, ये गलत जगह आप कह रहे हैं, किरण जी सही जगह कह रहे हैं, तो आपके समर्थन में। तो ये हाँ, तो ये देखिए ये बिल्कुल वेल प्लान ट्रैप है ये। आप देखिए आप एक एक्टर हैं और बहुत आप उनका जो रोल है और उनका जो एक कलाकारी है उसको आपको समझना पड़ेगा। आप वहां चुपचाप खड़े रही, कल को अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वो बोलेंगे कि मैं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में थी, तो आपके पास क्या जवाब है? तो ये बहुत वेल प्लान ट्रैप है, हमको इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिए कि 2010 में जब शाहरुख खान की एक फिल्म बनी थी सिंह इज खान, सॉरी आई एम खान, ऐसा कोई फिल्म बनी थी माई नेम इज खान। वो फिल्म के रिलीज होने के ठीक पहले उनने एक विवाद पैदा कर दिया कि पाकिस्तान के जो प्लेयर है उनको आईपीएल में लाना चाहिए। शिवसेना ने पूरा बॉम्बे में आग लगा दी, फिल्म हिट हो गई। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छे प्लानिंग से बॉलीवुड इंडस्ट्री काम करती है, उसको हमें समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। जी किरण जी आप जी किरण जी अभी आगे बढ़ जाएंगे। अभी तक जो बात समझ में आ रही किरण जी, आप लोग समाज सेवक, कहा जाता है कि कलाकार और नेता एक दूसरे के पूरक होते हैं, लेकिन आप समाज सेवक है जो मुझे लग रहा है इसमें। तो मुझे यही लग रहा है कि आप कलाकारों कि ये जो उनका जो स्वान था उसमें फंस गई आप। उनका जाल था कि हम ऐसा ऐसा करेंगे तो कांग्रेस अपने आप समर्थन देगी और उनकी फिल्म उठ जाएगी, और आप लोगों ने कर लिया, टैक्स फ्री भी हो जाएगी। देखिए त्रिपाठी जी, ये तो अग्निहोत्री जी का अपना ओवरव्यू है कि उनको मालूम है पीआर वगैरह सारी चीजें, मैं उस पर नहीं जा रही हूं।
यदि अग्निहोत्री जी की जब बात को हम पूरी चीजों को सही माने तो फिर उस हिसाब से तो योगी जी वहां पर यूपी में फंस गए कि बिना मांगे तानाजी को उन्होंने टैक्स फ्री कर दिया, वो तो खड़े भी नहीं हुए। तो क्या मतलब ये कहना ये है कि अजय देवगन और उनकी मांगा था टैक्स फ्री करने के लिए परंतु वो करते नहीं, उनको लगा कि दीपिका नहीं, जो दीपिका ने किया उसके कारण उनको किया गया। तो एक्चुअल जो चीज चल रही है देश में इस समय कि जो बीजेपी के साथ में खड़ा होता है, उसके पक्ष में खड़ा होता है, वो देशद्रोही और देश भक्त होता है, राष्ट्र भक्त होता है, जो जरा भी आपका विरोध में मौन भी खड़ा हो जाए तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही होता है। जिस बात को अग्निहोत्री जी ने कहा कि वो खड़ी हो गई, जैसे कृष्णा जी भी कह रहे वो चुपचाप खड़ी थी, ठीक है। आज आप कह रहे हैं कि उनके पीआर एजेंसी वगैरह वगैरह, मैं उस पर नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि क्या एक मैसेजिंग फिल्म है कि नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, आप मौन खड़े हुए थे, आपने दुर्घटना का समर्थन किया, एक पीड़िता लड़की के समर्थन में वो खड़ी हुई थी जिसका सिर फूटा था उस घटना में, और उस घटना के लिए यदि आप किसी की सांत्वना देने और संबल देने के लिए खड़े हुए तो ये इसको पूरे चीजों को भारतीय जनता पार्टी ने ये क्यों मान लिया क्यों नहीं गई दीपिका क्यों नहीं गई निर्भया के घर और सबसे बड़ी बात ये है कि टैक्स फ्री भी कर दिया। नहीं नहीं, टैक्स फ्री मैं इसी चीज पर आ रही हूँ कि वहाँ पर जैसे कृष्णा जी ने कहा कि उसने कुछ नहीं कहा, कल को वो यदि बीजेपी के समर्थन में एक लाइन बोल देंगे तो यही लोग कहेंगे कि हमारे फेवरेबल है और वो सबसे बड़ी राष्ट्रभक्त हो जाएगी, बाकी लोग राष्ट्रद्रोही हो जाएंगे। तो अभी इस देश में 6 सालों से यही धारा चल रही है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलता है, खड़ा होता है, किसी आंदोलन का समर्थन करता है तो वो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोही होता है और बाकी लोग राष्ट्रभक्त है। तो अभी शायद अजय देवगन जी सबसे बड़े राष्ट्रभक्त है क्योंकि वो देशभक्ति की फिल्म है। मैं इस फिल्म के ऊपर मेरी कोई आलोचना नहीं है, कलाकारों के ऊपर कोई आलोचना नहीं, क्योंकि ये अभिव्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। किरण जी, आपने ऐसी समाज में संदेश देने वाली कितनी और फिल्में देखी हैं? सांकेतिक विरोध, समाज में ऐसा संदेश देने वाली कितनी फिल्में देखी हैं? जब ऐसी कोई बिल्कूल गांधी जी पे बनी है, सुभाष चंद्र बोस पे बनी है, आजाद इंडिया बनी है, हमने चक दे इंडिया भी देखा है, हमने बिल्कुल देखी है, भगत सिंह के ऊपर फिल्म देखी है, सारी फिल्में हमने देखी है, जो रिसेंट हिस्टोरिकल मूवीज आती है हमने सब देखी, पद्मावत भी देखी है। पद्मावत के समय में बीजेपी उसका विरोध कर रही थी करणी सेना को आगे करके, तो क्या ये उनके ट्रैप में फंस चुके थे कि विरोध करके उसको हिट किया जाए? मुझे ऐसा लगता है सेना का अलग होगा बीजेपी का, उसमें कोई हमें नहीं लगता है कि रोल था, जो मैंने पढ़ा है बीजेपी उसे बिल्कुल बीजेपी उसे साथ ही करणी सेना के पीछे बैक में बीजेपी थी वहाँ पर जी। और इसीलिए अच्छी बात है त्रिपाठी जी, जहाँ राष्ट्रवाद की बात आती है वहाँ पीछे खड़े दिखाई देते हैं, स्वीकार किया उन्होंने, विरोध कर रहे थे उस समय, उस समय पद्मावत का विरोध कर रहे थे। इतिहास और तथ्यों के साथ में नहीं छेड़छाड़ होगा तो हमें तो विरोध करते हैं, बस देख लीजिए तो तैयार हो जाते हैं कि ठीक है भैया, वोट बैंक की राजनीति है, जो वोट देगा हम ठीक है, वो राष्ट्रद्रोही होता है, और जो इनके समर्थन में खड़ा होता है वो सबसे बड़ा राष्ट्रभक्त होता है। ये इनका एक ट्रेंड है, इन्होंने कहा संबल प्रदान करने के लिए दीपिका जी जेएनयू गई, लेकिन मुख्यमंत्री संबल प्रदान करने के लिए वहां नहीं गए, उन्होंने दीपिका को संबल प्रदान कर दिया टैक्स फ्री करके। अरे तो ये इस तरह के काम चल रहे हैं, अच्छा होता तो वहां चले जाते, अरे आप विरोध वहां चले जाते संबल प्रदान करने के लिए, ये नहीं बैठे बैठे समझिए कि वो संबल प्रदान कर रहे हैं तो हम उनको टैक्स फ्री कर दें, फिर हम पिक्चर देखने चले जाते हैं। तो ये कुल मिलाकर वोट बैंक की राजनीति, जहां वोट चाहिए और वोट के लिए हम सब कुछ करेंगे, ये तो ऊपर वाले की कृपा है। इतिहास सत्य देश के लिए यदि कोई खड़ा दिखाई देता है तो बीजेपी दिखाई देती है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। इनको लग रहा है कि छपाक देखने से ये छपाक करके छपाक रोक लग गया है, कैसे गए भाई? लेकिन इन्होंने कहा तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के नेता जाएंगे, ये नहीं लग रहा है, दोनों लोगों से अनुरोध है, हम देश में लड़कियों के साथ है बिल्कुल, आप दोनों लोगों से अनुरोध है
कि उधर अजय देवगन बीजेपी में छपाक कर गए, इधर दीपिका जी ने आप लोगों को छपाक कर दिया, उनकी टैक्स फ्री हो गई, वो कमाई कर गए। बाड़ी जी ऐसा नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है, जो गलत है वो गलत है। चलिए उनको ये यही है कि दो की लड़ाई में तीसरा फायदा, तीसरे बढ़िया, मैं ये नहीं कहूंगा कि आप लोगों को युद्धू बना दिया, लेकिन उससे बड़े प्लानिंग के तहत किस तरह से राजनीतिक फायदा लेकर के आम जनता तक अपनी फिल्म को का मैसेज पहुंचाएं, ये सफल हो गए कलाकार मुंबई वाले। मुंबई वाले छत्तीसगढ़ियों से बहुत तेज हैं। बहुत बहुत धन्यवाद किरण जी आपका, संजय जी आपका और कृष्ण जी आपका वासा चर्चा में शरीक होने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में दोनों ही प्रमुख पार्टियों के नेतृत्व ने सिनेमा देख कर ये संदेश दिया है कि वो किस फिल्म के साथ खड़े हैं, लेकिन अहम सवाल है कि क्या ये फिल्में राजनेताओं की तरह एक दूसरे की विरोधी हैं? शायद बिल्कुल भी नहीं। तो ऐसे में फिल्मों के जरिए आवाम को बांटने की कवायद क्यों हो रही है? दिलचस्प बात है कि तान्हा जी का विरोध देश में किसी वैचारिक धड़े ने नहीं किया है, जबकि छपाक के विरोधी की पहचान खुले तौर पर सार्वजनिक है। विरोध की राजनीति कोई नई नहीं है, इससे पहले भी कई फिल्मों को निशाना बनाया गया है। विचारधारा की इस लड़ाई में फिल्मों को निशाना क्यों बनाया जा रहा है और बड़े राजनेता भी इसमें शामिल होकर इसे और बल क्यों दे रहे हैं? शायद किसी ने ठीक ही कहा है कि राजनीति में सब कुछ जायज है। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद